नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप हेल्थी और हैप्पी होंगे और ऐसे ही रहिए। मुझे आज है 30 तारीख, आज शनिवार है, अप्रैल की 30 तारीख, और सुबह का टाइम हो चुका है 9:30 का। आज अमावस्या भी है तो सुबह पूजा की थी, अभी 9:30 बजे तक भी काम वाम हो गया है, लेकिन अभी कपड़े भी हैं, कपड़े बाकी हैं। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक हेल्थ टिप्स लेके आऊँगी आपके लिए अगले वीडियो में, तो आज मैंने सोचा कि मैं जल्दी काम हो गया है तो थोड़ा फ्री होकर मैं वो वीडियो आपके लिए रेडी करती हूँ। तो आज मैं इस ये कोई ब्लॉग नहीं है, आज ब्लॉग को देखते शेयर करते, क्योंकि आज मुझे सुनने में आया कि आज 5-6 घंटे लाइट जाएगी, और ये सुनकर ये ना ऐसी हालत ख़राब हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या होगा, 5-6 घंटे लाइट चली जाएगी, ये होगा, देखते हैं वो क्या होता है, वो भी मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। लेकिन ये एक मिनी वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ एक हेल्थ टिप शेयर करूँगी कि आप देख रहे हैं आज कल कितनी गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा पूछो मत, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इससे रिलेटेड एक बात शेयर करती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और इससे बचने के लिए देखिए हम कितना कुछ करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, घर में रहते हैं, बाहर जाने से बचते हैं, लेकिन ये तो हमारा काम हो गया। जो बाहर जॉब करते हैं उसके उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि मैंने भी मार्केटिंग की जॉब की है तो मुझे भी पता है दोहों में काम करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है क्योंकि जॉब है। लेकिन धूप गर्मी से धूप से बचने के लिए जो लू चलती है, गर्म गर्म लू चलती है, बहुत ऐसी हालत ख़राब कर देती है वो, तो उससे बचने के लिए मैंने सोचा आपके साथ एक शेयर करती हूँ कि देखिए हम ठंडा पानी पीते हैं, पानी भी खूब पीजिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, लेकिन साथ ही जो आप खाना खाते हैं, अपनी डाइट लेते हैं, उसमें सैलेड जरूर लीजिए, क्योंकि जैसे खीरा हो गया ठंडा होता है आपके लिए, और टमाटर हो गया, ककड़ी, कितना मौसम के हिसाब से कितनी सारी सैलेड की चीज़ें आती हैं, खरबूजा ये सब वगैरह। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप सैलेड जब लेते हैं तो उसमें प्याज भी ज़रूर दीजिए, या ऑनियन, आप ना सैलेड में प्याज ज़रूर खाइए, क्योंकि ये है ना गर्मी को काटती है। क्योंकि मैं भी जब जॉब करती थी तो मुझे भी किसी ने बताया था, शेयर किया था कि बहुत गर्मी लगती है मुझे भी, और जब जॉब करते थे बाहर तो बहुत मुश्किल होती थी, हालत ख़राब हो जाती थी। तो हमारा तो काम जैसे बाहर धूप का ही होता था, घूमने का, मार्केटिंग का काम भी करना पड़ता था, तो किसी ने मुझे शेयर किया कि है ना प्याज ज़रूर खाइए, तो ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप अपनी डाइट में सैलेड लीजिए और सैलेड के अंदर प्याज ज़रूर लीजिए, क्योंकि प्याज जो होती है वो लू से बचाती है, गर्मी को काटती है। बहुत लोग होते हैं जो स्मेल की वजह से उसको नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि प्याज खाने से मुँह में बहुत स्मेल आ जाती है, लेकिन आप स्मेल को ख़त्म करने के लिए खाना खाने के बाद इलायची हो गया, या फिर सौंफ हो गया, या फिर मीठी सौंफ वगैरह आती है कैंडी जो, वो भी आप ले सकते हैं ताकि आपकी स्मेल जो है, ताकि वो जो ऑनियन की स्मेल है वो कवर कर ले। लेकिन आप सैलेड में ऑनियन ज़रूर 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 खाइएगा, सैलेड तो ज़रूर लीजिएगा, हर टाइम ही लेना चाहिए, और दही हो गया। लेकिन यही था, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस टाइम से गुजरी हूँ जब बहुत धूप होया करती थी और काम करा करते थे। तो मैं अपने उन सब दोस्तों को, अपने उन सब फ्रेंडों को, अपने उन सब सब्सक्राइबर को कहना चाहूँगी जो बाहर जॉब करते हैं गर्मी में, तो प्लीज़ 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 आप ना
अपने डाइट में खाने में सैलेड ज़रूर रखें और प्याज को भी। तो यही थी मेरी आज की हेल्थ टिप, आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वाली जो हेल्थ टिप वीडियो है ये भी आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेम्बर जो बाहर मार्केटिंग की ऐसी जॉब करते हैं, जो अब तो देखिए सारी बाहर की होती है, ऑफिस में बैठे बैठे तो बहुत रिलैक्स फील होता है, क्योंकि मैंने भी दोनों टाइप की जॉब की है, बाहर मार्केटिंग के भी की है और ऑफिस में इसी के अंदर बैठे बैठे वो भी जॉब की है। लेकिन बाहर मार्केटिंग की जॉब करना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। तो यही थी मेरी आज की हेल्थ टिप्स, प्लीज़ आप उन सबको आप मेरी हेल्थ टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ यार जल्दी 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए, क्योंकि मैंने सोचा है कि 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक लाइव आऊँगी यूट्यूब पे। तो प्लीज़ 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 जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लीजिए। वैसे तो मेरी गलती है, मैं वीडियो नहीं बनाती इसलिए बहुत लेट हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अब कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, ब्लॉग बनाऊँ और आपसे जुड़ी रहूँ। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे कर दीजिए प्लीज़, आगे और भी बढ़ाइए, इतने ही नहीं लेकिन जल्दी होगा तो फिर मैं जल्दी लाइव आऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे, देखते हैं आज का क्या ब्लॉग होता है, आज का दिन क्या होता है, वैसे बहुत डर लग रहा है कहीं लाइट ना चली जाए, देखते हैं बाद में। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए, ऐसे ही अपना ध्यान रखिए। बाय।